यदि आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तो पीएसटी को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर और जीके की तरह तरह की वीडियो। यदि आप पाना चाहते हैं यहां पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए बात करूंगा कि जो आपका क्लरिकल का एग्ज़ाम होने वाला पोस्ट कोड 692 उसका एग्ज़ाम शायद अक्टूबर में ही है, डेट भी आ चुकी है, शायद 28 अक्टूबर है 26 अक्टूबर एग्जैक्ट मालूम नहीं है, देखा था मैंने तो अक्टूबर में, तो उसमें हिंदी भी आती है। कितने नंबर की आती है ये आपको बताऊंगा इस वीडियो के जरिए, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जिस तरह की हिंदी आई थी आप देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह की ही हिंदी पढ़नी है और इस तरह का ही आएगा कुछ, और कितने नंबर का आएगा वो भी बताऊँगा। और इसी तरह का जैसे कि मैंने इससे पहले अपलोड किया था एक वीडियो कि HPGK के किस तरह के प्रश्न आते हैं और कितने आते हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लें। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह से अन्य पार्ट्स के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरह से कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ जाएगा 8894634829 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और हाँ, जो पीएसडी से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये हिंदी वाले क्वेश्चन, और पता भी चल जाएगा कि किस तरह के पूछे जाते हैं। और हाँ, हिंदी के ऊपर भी वीडियो अपलोड होगी पीएसडी के इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है, शुद्ध शब्द क्या है इनमें से, ये छांटना है, कोई भी बोल देगा कंठ सबसे पहले, बट वहाँ एग्ज़ाम में सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और ये दूसरा वाला है 119 वाला है, व्याख्या की संधि विच्छेद कीजिए, वी प्लस आख्या, और ये तत्सम शब्द आएगा भाई का, ये है भात्र है, ठीक है, कुछ लोग भ्राता भी लगा के आते हैं इसका। और धनवती का पुलिंग धनवान, ठीक है, और प्रेम का बहुवचन, प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रश्न, अब बढ़ते हैं और बचे हुए प्रश्नों पे। लेकिन आप, मैं इसलिए ये क्वेश्चन और ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये सिर्फ इतना है कि आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए आता सब कुछ है, लेकिन कभी इजी आता है, कभी भी मॉडरेट लेवल का आता है, कभी कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है, लेकिन आपको पढ़ना सभी चीज़ें पड़ेगा, बट आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। भाई बहन में कौन सा समास है, तो ये द्वंद समास है, ठीक है। और सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा, ये सेवा, अभिव्यक्ति की पर्यायवाची है प्रकटन, मतलब इतना आसान भी नहीं आता, पर्यायवाची शब्द वगैरह तो बहुत मुश्किल ही आते हैं, बहुत आसान तो आते ही नहीं, ठीक है। और अवकाश का विलोम है अनावकाश, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द तो उसको कहते हैं अभीष्ट, ठीक है। तो अब इतने ही क्वेश्चन आए थे, अब देख सकते हैं 200 में से इतने आए थे, तो अब जैसे 175 क्वेश्चन आएंगे, 170 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें 170 में मुश्किल से 8-10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट यहाँ पे भी 11 क्वेश्चन आए थे, 11-12 क्वेश्चन, तो देख सकते हैं आप इतने कम क्वेश्चन आते हैं, बट 10 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे अभी भी, है ना, हिंदी के। तो हिंदी में आपको व्याकरण में पढ़ना है, देख लीजिए सबसे पहले तो परिभाषाएं सारी मालूम हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा पूछ दी है, अब आपको जब भाववाचक के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप बता ही नहीं सकते। बेसिकली जितना भी मतलब एक साधारण सा व्याकरण होता है, जो एक मतलब बेसिक होता है व्याकरण का, वो सभी चीज़ें पढ़ लेनी है। एक चीज़ बताऊँ, आपको लग रहा होगा कि हिंदी छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भैया आपको पता है टाइपिंग के लिए तो सभी लोग क्वालिफाई कर रखते हैं, लेकिन जब उसके बाद मेरिट बनती है ना, वो जाती है फिर बहुत ऊपर, इसलिए पहले ही जब आप मेरिट में ऊपर होगे ना तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो आपको टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाई करना है, वहाँ पे मेरिट नहीं बनती, मेरिट सिर्फ रिटर्न की बनती है, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके ताकि सिलेक्शन पक्का हो जाए। जैसे हिंदी हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, और ये इंग्लिश हो गया, ये ऐसे सेक्शन है जहाँ से नंबर कटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एकदम से कम सिलेबस में ही होता है ना ये चीज़। बट जैसे और जीके हो गया, ये तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, बट अपना स्टेट जीके भी ठीक होता है, उसमें कम सिलेबस ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से कीजिएगा, बाकी मैं आपको इसमें अपलोड करूँगा वीडियो हिंदी के ऊपर करूँगा, और उसमें मतलब हर सेक्शन का बेसिकली हर मतलब स्पेशली क्लरिकल के लिए बना दूंगा मैं 3-4 वीडियो स्पेशली हिंदी के,
जिसमें मतलब सारी बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे मतलब आपको बाकी जैसे तो ये पर्यायवाची शब्द वगैरह ये तो आपको याद करने देखने पड़ेंगे, थोड़े से नज़रें मारनी पड़ेगी, हर दिन देख लिया करो तत्सम शब्द वगैरह भी, और ये जो तो संधि विच्छेद है इसकी तो डेफिनेशन आनी चाहिए, और यहाँ तक कि कारक भी पूछे जा सकते हैं, और आपका ये तो पूछा ही था संधि हो क्या नाम तत्सम हो क्या बोलते हैं इसको, ये अपना समास तो पूछा ही था, ठीक है समास भी पूछा जाएगा, और बहुत सारे प्रश्न मतलब जितना भी होता है हिंदी में सभी चीज़ें पूछी जाती है, और मतलब कई तरह के हर बार एक जैसे ही प्रश्न नहीं आते हैं, कई बार मुश्किल भी रहते हैं कई बार आसान भी रहते हैं, इसलिए आपको बेसिक पूरी तरह से मैं बता रहा था ना आपको कि हिंदी में और इंग्लिश में और रीजनिंग में और HP GK में अगर आपने बहुत अच्छे नंबर ले आए तो बहुत अच्छे ही आएंगे, क्योंकि दूसरा GK तो इतना ऐसा होता है अजीब सही होता है, भले ही इसमें आसान होता है लेकिन कोई पता नहीं रहता कि कब कैसा आ जाए, इसलिए ये वाला सेक्शन बहुत ईजी है और यहाँ पे कम सिलेबस रहता है और आप इसको बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से कीजिए हिंदी को और इंग्लिश को भी अच्छे से कीजिए, और ठीक है, और बाकी यूट्यूब चैनल पे डेली वीडियो अपलोड हो रही है PhD के, तो बीच में काफ़ी समय से डिले हो रहा था वीडियो का, तो वो कुछ वजह थी, ठीक है, तो अब डेली अब कोई ना कोई वीडियो मिलता जाएगा अब, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं जब अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देखिए और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, आपको काफ़ी अच्छा मतलब एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगी, मतलब जो आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी, ऐसा नहीं है कि हम अपना कोई अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी आप अपने खुद भी प्रिपरेशन करते हैं, बट जो हमें मालूम है अच्छी चीज़ें हम वही आपके साथ शेयर करेंगे और आपको इस तरह से बताएंगे कि आप उसका बेस्ट कर सके, जो एग्ज़ाम में आएगा वही आएगा जो बताए, पढ़ने को तो बहुत सारा है बट सिलेक्टेड पढ़ना वो अलग चीज़ होती है, उसी लिए गाइडेंस ली जाती है, ठीक है, बाकी पढ़ना तो आपको ही है, मेरे 20-30 क्वेश्चन से आप टेस्ट नहीं फाइट कर सकते, बट हम एक राह दिखाते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, बाकी पढ़ना आपको ही है, 20-30 क्वेश्चन से कोई सिलेक्शन नहीं होती, बट वो एक आइडिया देता है कि इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वीडियो को देखिए जो भी अपलोड करता हूँ, और 4-5 मिनट का होता है, अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो देखना है तो कमेंट कीजिएगा, और इसी का अगला सीरीज़ भी अपलोड करूँगा, और हिंदी में जैसा मैंने बताया कि हिंदी के वीडियो अपलोड करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ज़रूर अपलोड करूँगा एग्ज़ाम से पहले, अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है उससे पहले मतलब सभी बेसिक चीज़ें मतलब जो अंडरलाइन करके मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें सभी बता दूँगा, ठीक है, हिंदी की, तो ये जो HP GK की डेली अपडेट्स आ रही है इसे ज़रूर देखा करें और शेयर भी किया करें, और जो भाई लोग पहली बार जुड़ते हैं PhD से वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए PhD के साथ।